नमस्कार, खबर नारायणपुर कस्बे से। अतिक्रमण भूमि का टीम ने किया मौका निरीक्षण। कस्बे में बांसुर सड़क मार्ग पर ग्राम पंचायत की गैरमुमकिन आबादी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। थानागाजी उपखंड अधिकारी के निर्देशन में अतिक्रमण भूमि के निरीक्षण के लिए टीम का गठन किया गया। इस टीम में कार्यवाहक तहसीलदार हरीश भाटिया, थानागाजी विकास अधिकारी कजोड़मल मीना सहित अन्य कर्मचारियों को शामिल किया गया है। बुधवार को इस टीम ने अतिक्रमित भूमि का मौका मुआयना करते हुए रजिस्ट्री में अंकित सीमाओं के अनुसार निशानदेही करते हुए अतिक्रमण करने वाले लोगों को निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। यह टीम गुरुवार को अपनी रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को सौंपेगी। इस मौके पर कानूनगो विमल गर्ग, पटवारी नवीन खजोतिया, सहायक विकास अधिकारी अशोक शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी गिरिराज मीणा, सरपंच मन्नी देवी, उप सरपंच आकाश अग्रवाल, वार्ड पंच दिनेश भार्गव, बुधराम यादव, रवि सोलंकी, ग्रामीण सुरेश राठी, राकेश तिवाड़ी, जले सिंह मीणा, नरेंद्र सिंह शेखावत, दिनेश जाट, रामकिशोर मीणा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद थे। ये स्कूल के सामने एक भूखंड का मामला था जो रमेश चंद गंगा लहरी इनके पूर्वजों ने बाबा जी से खरीदा था। बाबा जी को वो कस्टोडियन में 2000 रुपये में अलॉट हुई थी जमीन, जिसकी रजिस्ट्री 6/10/1966 को की हुई थी। सर, जैसे अभी विवाद वगैरह चल रहा था ग्राम पंचायत वगैरह, क्या पूरा मामला? पूरा ये था कि ये एक हवेली थी जो कि कस्टोडियन में आ गई थी। जैसे 1947 में मुसलमान यहाँ से छोड़ के चले गए तो कस्टोडियन ज़मीन हो गई थी। उसने गवर्नमेंट को ऑक्शन किया था, जो बाबा जी ने ये बाबा गोपालदास चेला बल्लभ दास स्वामी ने ये खरीदी थी कस्टोडियन डिपार्टमेंट से। इसको 26/10/1966 को जगन्नाथ पुत्र रामधन गंगा लहरी पुत्र जगन्नाथ वैश्य नारायणपुर ने खरीदा था इसको। तो इसकी कुल नाप थी 77/173, 77 रोड से और 173 डीप में, इस तरह इसकी पैमाइश थी। कब्जा वगैरह का भी मामला था सर, क्या था? हाँ, ये मतलब हवेली, हाँ मैं बता, इसमें हवेली थी बीच में जिसमें स्पष्ट नक्शा दिया हुआ है कि हवेली के पूर्व में 13 फुट और पश्चिम में 17 फुट और पीछे 97 फुट और सड़क की साइड 28 फुट। कुल इस तरह से 77/173 की ये पूरी ज़मीन थी। ये लोग इस जो हवेली से 13 फुट पूर्व में थी उसको छोड़ के एक अन्य आबादी भूमि पर नींव खोद रहे थे, जिसको ग्राम पंचायत ने रुकवाया था। तो इनने SDM साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच में मैं, BDO साहब, हमारे साथ में रेवेन्यू विभाग की टीम थी और ग्राम सेवक जी थे। अभी जो कब्जा वगैरह कर रखा था वो अपनी जगह ठीक कर रही थी या फिर गलत था या कैसे? नहीं, ग्राम पंचायत की आबादी में नींव खोदी हुई थी, अभी नींव खोद रहे थे, अभी बंद था काम मौके पर।